चंदेना कोली में चल रही रामलीला कार्यक्रम में राम वनवास का पार्ट दिखाया गया। राजा दशरथ का अभिनय कर रहे कलाकार प्रमोद कुमार शर्मा ने अपने अभिनय से दर्शकों का हृदय भावुक कर दिया। उल्लेख न्यूज की टीम से वार्ता करते हुए राजा दशरथ बने प्रमोद कुमार ने कहा कि हमें भी राम के आदर्शों पर चलना चाहिए और प्रत्येक पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही हमारा रामलीला करने का उद्देश्य है। वहीं पर राम की भूमिका निभा रहे संदीप भटनागर ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया। इस समय क्या हुआ, जीवन जब चल जाएगा तो शरीर का कल्याण कहां, ऐसे में समझो प्राणनाथ। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। आज के कार्यक्रम में हमने सीधा प्रसारण ग्राम पंचायत चंदाना कोली में श्री राम वनवास कार्यक्रम हमने रामलीला के सौजन्य से अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर दिखाया और यहां पर जो है राजा दशरथ की भूमिका में बहुत अच्छी भूमिका रही इनकी। तो इनसे सीधी बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा जी। इतना अच्छा कार्यक्रम आपने दिखाया, ये सभी अनुभव कहाँ से प्राप्त किया? ये सभी अनुभव हमने आपस में ही सीखा है। कितने समय से आप जो है इस भूमिका को निभा रहे हैं? मैं सन 2000 से इस भूमिका को निभा रहा हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी परंपरा को, श्री रामायण को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें और अपने जीवन में उतारें, श्री राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सभी अपने कार्यों को पूरा किया है। वे आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम इसीलिए कहलाए। धन्यवाद जी।